हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो उस टाइम पे करंटली टाइम में जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पर्सन आपको लेकर आखिर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है आपके पर्सन के मन की वो फीलिंग जो वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं उस टाइम पर, और क्या कुछ एनर्जीज हैं इन पर्सन में आपको लेकर, क्या कुछ ये पर्सन सोच रहे हैं, क्या कुछ इन पर्सन के मन में चल रहा है, क्या कुछ इन पर्सन के दिल में है आपको लेकर, इस एनर्जी को मैं लेने की यहाँ कोशिश करूँगी। ये जनरल बेसिस की रीडिंग है, सो जनरल बेसिस पर ही देखेंगे। कमेंट सेक्शन में अपने पर्सन का नेम और अपना नेम ज़रूर से लिखे गाइस, ताकि आपके साथ में एनर्जी जो है वो कनेक्ट कर सके। देख लेती हूँ क्या कुछ एनर्जी कह रही हैं इस टाइम पे आपके पर्सन की तरफ से। द फर्स्ट एनर्जीज यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है आज आपके पर्सन के लिए, टोटलिटी की कहीं ना कहीं किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है ये पर्सन ना गाइस। बहुत जल्द कोई डिसीज़न ले सकते हैं आपको लेकर, कोई डिसीज़न बहुत जल्द गाइस ये पर्सन लेने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्द। और वो डिसीज़न इन पर्सन का मुझे आपके बारे में नज़र आ रहा है, कोई ऐसा डिसीज़न जिसे बहुत लंबे समय से पर्सन लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनका जो डिसीज़न होगा ना गाइस, कुछ ऐसा करने वाले हैं पर्सन जिससे आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन पर्सन की जो भी सच्ची फीलिंग है ना, जो भी सच्चाई है इन पर्सन के मन की, वो आपके लिए जो कुछ भी है इनके मन में, वो आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। ऐसा कोई डिसीज़न ही पर्सन लेने की एनर्जी से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कुछ बहुत ज़्यादा जैसे कुछ तो है गाइस इन पर्सन के मन में इस टाइम पर, जिसको बहुत ज़्यादा लंबे समय से पर्सन सोच रहे, कोई बात ऐसी हो सकती है गाइस जो इन पर्सन ने ना आपको एकदम सामने से बोल दी, जो शायद हो सकता है कभी कोई पर्सन एकदम नाराज़ हो, गुस्से में हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो आपके बीच में किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी की या किसी फ्रेंड की वजह से, किसी भी रीज़न से, या फिर शायद उस दिन ही पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान थे किसी बात को लेकर, और ऐसे किसी टाइम पर इन पर्सन ने ना आपसे कोई ऐसी बात बोल दी जिसका कहीं ना कहीं आप इन पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि उस बात को सुन के आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हो, या इन पर्सन की उस कही हुई बात की वजह से आप हर्ट हो गए हो, आप इनसे नाराज़ हो गए हो, गुस्सा हो, परेशान हो, ऐसी चीज़ मैं आप पे देख रही हूँ। कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है इस टाइम पे कि इनकी इसी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कहीं ना कहीं आप दोनों फेस कर रहे हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे शो कर रही है कि पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पर्सन, और सिर्फ अपने पास्ट को सोच रहे हैं, प्रेजेंट पे बिल्कुल जो है ना जैसे पर्सन उस टाइम पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे नहीं आ रहे। हो सकता है गाइस इस टाइम पर इन पर्सन की लाइफ में बहुत सारे इनके करियर में, कुछ वर्क में, हेल्थ में कोई इशू हो सकता है, लेकिन अभी इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। अपने रिलेशन में ही पर्सन इस टाइम पर जो नो कॉन्टैक्ट है उसके बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन जितने भी टाइम पे अकेलापन महसूस करते हैं ना गाइस, कहने के उतने टाइम भी पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं, और आपके बारे में जब भी पर्सन सोच रहे तो बहुत ज़्यादा जैसे ये पर्सन गिल्ट को महसूस कर रहे हैं, कोई पछतावा महसूस कर रहे हैं कि क्यों इन पर्सन से कभी कोई मिस्टेक हुई है, जिस वजह से ये पर्सन जो है अभी इस टाइम पर जाकर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई बात है इन पर्सन के मन में, कोई फीलिंग है आपसे जो बहुत लंबे समय से ये पर्सन कहना चाह रहे हैं आपके बारे में, कोई ऐसी चीज़ है बहुत ज़्यादा ही पर्सन सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं गाइस ये पर्सन जानना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा आप इन पर्सन को याद करते हैं, जितना ज़्यादा ये पर्सन आपको याद करते हैं, क्या उतने ही ज़्यादा आप भी इन पर्सन को याद करते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप में से किसी किसी के पर्सन है ना इस टाइम पर पूरी तरीके से जैसे आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, पूरी तरीके से जैसे सिर्फ और सिर्फ उनका जो फोकस है, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन अपनी सारी ही चीज़ों से हटकर आपकी तरफ है कि आप अपनी लाइफ में टाइम पे क्या कर रहे हैं, क्या आप इन पर्सन को याद करते हैं, क्या जितना ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं क्या आप इनके बारे में इतना सोचते हैं। ऐसी एनर्जी इन पर्सन की तरफ से शो कर रही है कि जैसे ये पर्सन आपके बारे में कुछ जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं किसी अन्य व्यक्ति से भी शेयर करना चाहते हैं कि हाँ कभी इन पर्सन से कोई मिस्टेक हो गई है और अब आप इनसे नाराज़ हो गए हो, अपनी कैसे स्थिति को जो है वो सही करें, कैसे सिचुएशन को ठीक करें। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी इन पर्सन की तरफ से देख पा रही हूँ। अगर आप साइलेंस होना गाइस इस टाइम पे एक एनर्जी ये भी आ रही है मुझे आपकी तरफ से, हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है ना इस टाइम पे साइलेंस हैं, जो अपने पर्सन को कांटेक्ट करना तो चाहते हैं बट कहीं ना कहीं अभी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, साइलेंस हैं, वेट कर रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं।
जबकि आप भी अपनी लाइफ में मुझे अलोन की एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन पर्सन को बहुत ज़्यादा इस बात को लेके दुख हो रहा है, या फिर इन पर्सन को बहुत ज़्यादा इस बात को लेके ऐसा बेचैनी से हो रही है कि आप इस टाइम पे क्यों साइलेंस है, आप इस टाइम पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं इन पर्सन से, या आप इन पर्सन को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश इस टाइम पर क्यों नहीं कर रहे। अगर आप साइलेंस है ना गाइस, तो इन पर्सन को आपको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर ये पर्सन इस टाइम पर चिंता में बैठे हुए हैं कि आप आखिर क्यों नहीं इनको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। अगर ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इन पर्सन को अपनी तरफ से जो है कांटेक्ट कर दें, आप ही इनसे बात कर लें। ऐसी चीज़ें मैं आप पे देख रही हूँ। आप में से किसी किसी के पर्सन जो है ना गाइस, बहुत ज़्यादा जैसे एक ऐसी एनर्जी में मुझे शो हो रहे हैं कि वो ना वो ज़्यादा उदास जैसे बैठे हुए हैं, वो आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। आपके साथ में पर्सन फ्यूचर देखते हैं, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख रही हूँ पर्सन आपके साथ में फ्यूचर देखते हैं, और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप में से किसी के पर्सन तो है जो बहुत जल्द, आप में से कुछ लोग के जो पर्सन है ना, वो बहुत जल्द आपसे फेस टू फेस मिलना चाह और बताना चाहते हैं कि आपसे दूर रह के ये पर्सन ने अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा अकेलापन महसूस किया, कितना ज़्यादा इन पर्सन ने आपको मिस किया। तो आई होप आपके साथ में जो रीडिंग है गाइस, रेजोनेट करे। टिल द टाइम टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।